हेलो एवरीवन, नमस्ते। अदितिस किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम चॉकलेट सॉस या फिर चॉकलेट गनाश की रेसिपी देखेंगे। जैसे हम हर्शेस का चॉकलेट सिरप यूज़ करते हैं, ये एग्जैक्टली वैसे ही बनके रेडी होता है और बहुत कम कीमत में ज़्यादा क्वांटिटी में बनके रेडी होता है। तो चलिए अब हम इसे बनाने की शुरुआत करेंगे। हम एक मिक्सिंग बाउल पे एक छलनी ले लेंगे और इसमें हम एक कप पाउडर शुगर डालेंगे। तो हमें यहाँ पर पाउडर शुगर का यूज़ करना है। हम जो भी ड्राई चीज़ें लेंगे हमें उसे छान के लेना है। एक कप पाउडर शुगर में हम यहाँ पे आधा कप कोकोआ पाउडर डालेंगे और इन्हें हमें अच्छे से छान लेना है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम इसमें एक टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लार यानी कि मैदा डालेंगे, जिससे कि हमारे सॉस को बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी मिलेगी और सॉस को एक बहुत अच्छी थिकनेस मिलेगी। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लार यूज़ करना है, उससे ज़्यादा हम ऑल पर्पस फ्लार को यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो हम यहाँ पर डेढ़ कप इसमें दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जिस कप से चीनी गिनी थी उसी कप से गिनकर हम यहाँ पे डेढ़ कप इसमें दूध डालकर इसे मिक्स करके एक सॉस जैसे कंसिस्टेंसी बना लेंगे। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन को गरम कर लिया है। पैन जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमें सॉस डाल देंगे जो हमने बनाया था। हम इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे, क्योंकि मैदा जो है वो नीचे बैठ जाता है। इसके बाद हम इसे एक डायरेक्शन में चलाते हुए कंटिन्यूसली मिक्स करेंगे और ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से ठीक होकर रेडी हो जाएगा। हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे हम इसे नहीं पकाएंगे। तो देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट में हमारा सॉस यहाँ पे बनके रेडी हो गया है, ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे ग्लॉसी लुक देने के लिए इसमें बटर डालेंगे। तो हम यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर का यूज़ करेंगे। सॉल्टेड बटर से ये सॉस अच्छा नहीं बनेगा। तो हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब बटर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बटर डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ही आप इसमें बटर डालें। तो देखिए, यहाँ पर हमने सॉस को कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। आप देख सकते हो इसे बहुत अच्छा ग्लॉसी लुक आ गया है। अब हम इसे एक इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। आप इसे 1 महीने तक की एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर करके यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा होता है और ये बहुत कम कीमत में बनके रेडी होता है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।